दोस्तों 16 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है प्रभास की फिल्म आदि पुरुष, तो वहीं दूसरी तरफ 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी शाहरुख खान की फिल्म पठान। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आदि पुरुष फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में। ये फिल्म अपने पहले दिन इंडिया से और पूरे वर्ल्ड से कितने करोड़ रुपए कमा लेगा। तो वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे पठान फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, अपने पहले दिन के कमाई के मामले में कौन सी फिल्म ने मारी है बाजी। तो बस आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उससे पहले अगर आप लोग शाहरुख खान और प्रभास को दिल लाइक करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों अगर यहाँ पे सबसे पहले बात करें आदि पुरुष फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन के बारे में, तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि फिल्म में हमें प्रभास के साथ साथ कीर्ति सनन, सैफ अली खान और सन्नी सिंह लीड रोल में देखने को मिलेंगे। इन सभी की एक्टिंग और परफॉर्मेंस हमें ट्रेलर में काफी शानदार देखने को मिला है। अब देखा जाए कि सिनेमाघरों में ऑडियंस को ये फिल्म पसंद आता या नहीं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि फिल्म में काफी शानदार वीएफएक्स देखने को मिलेगा, यही वजह है कि फिल्म का बजट काफी हाई देखने को मिल रहा है। बता दी कि दोस्तों इस फिल्म का बजट लगभग 700 करोड़ रुपए के करीब माना जा रहा है। ओम रावत के डायरेक्शन में फिल्म बनी है। फिल्म को इंडिया के अंदर लगभग 1000 स्क्रीनों पर रिलीज किया जाएगा, तो वहीं फिल्म को ओवरसीज से 3000 स्क्रीनें मिलेंगी। कुल मिला के फिल्म को पूरे वर्ल्ड में लगभग 13000 स्क्रीनों पर रिलीज किया जा सकता है। इस फिल्म को तो काफी शानदार स्क्रीनें मिली है। अब देखा जाए कि ये फिल्म अपना परफॉर्मेंस बॉक्स ऑफिस पर दिखा पाता है या नहीं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि फिल्म अपने पहले दिन इंडिया में नेट से 120 करोड़ से भी ज्यादा कमाने में कामयाब हो जाएगा, तो वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड से लगभग 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर सकता है अपने पहले ही दिन। दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं कि पठान फिल्म अपने पहले दिन इंडिया से और पूरे वर्ल्ड से कितने करोड़ रुपए कमाने में कामयाब हो गया था। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने रिलीज के पहले दिन से लेकर फिल्म ने अपने आखिरी तक काफी शानदार कलेक्शन किया और कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में फिल्म बनी थी जिसका बजट था 250 करोड़ रुपए के करीब। फिल्म में हमें शाहरुख खान के साथ साथ जॉन इब्राहिम, दीपिका पादुकोण लीड रोल में देखने को मिली थी। वाकई में इन सभी की एक्टिंग और परफॉर्मेंस सिनेमाघरों में ऑडियंस को भरपूर पसंद आया, यही वजह है कि फिल्म ने अब तक इतना बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है जिनका टूटना नामुमकिन है। बता दें कि फिल्म अपने पहले दिन इंडिया में नेट से 57 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब हो गया था, तो वही फिल्म ने पूरे वर्ल्ड से कलेक्शन कर लिया था अपने पहले दिन 104 करोड़ रुपए। दोस्तों यहाँ पे लग रहा है कि आदि पुरुष फिल्म पठान फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ देगा। वैसे आपको क्या लगता है कि आदि पुरुष फिल्म पठान फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर से बताइएगा। वैसे आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।